हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कैसी सभ्यता के बारे में जो आज से लगभग हजारों वर्ष पहले धरती में अस्तित्व में थी। दोस्तों, यह सभ्यता बहुत ही उन्नत थी। इस सभ्यता के लोग आर्ट, मैथमेटिक्स, वास्तुशास्त्र एंड ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा उन्नत थे। एंड दोस्तों, यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि धरती का प्रलय कब होगा। दोस्तों, इस सभ्यता का हमारे भारत एवं हिंदू धर्म से बहुत ही गहरा नाता है एंड इसके अवशेष हमें आज भी मिलते हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि यह सभ्यता न केवल उस समय में विकसित थी बल्कि अपने समय की सर्वोत्तम सभ्यताओं में से एक थी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे यह सभ्यता कैसे स्टार्ट हुई, इसका अंत कैसे हुआ एंड वर्तमान में हमें इसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। दोस्तों, लाखों सालों से इंसानों के तौर तरीकों एवं रहन सहन में परिवर्तन होता आया है, जो क्रमिक विकास को परिभाषित करते हैं। आज का मानव आज से हजारों साल पहले के मानव से बिल्कुल ही अलग था। दोस्तों, यह परिवर्तन हमारी पृथ्वी में जीवन के आरंभ से ही चला आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बीते लाखों वर्षों के इतिहास की बात करें तो धरती में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ है। ऐसी सभ्यताओं का जो अपने समय में उन्नत थी, विकसित थी और बहुत ही ऐतिहासिक थी। दोस्तों, कुछ ऐसी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है माया सभ्यता। दोस्तों, माया सभ्यता मीजो अमेरिकन सभ्यता से पहले ही बताई गई है। दोस्तों, मैक्सिको का यूकाटन नामक स्थान जहाँ पर आज स्थित है, वहाँ कभी माया सभ्यता के लोग रहा करते थे। एंड दोस्तों, माया सभ्यता को ही कभी कभी मीजो अमेरिकन सभ्यता भी बोला जाता है। दोस्तों, यह सभ्यता दुनिया की सबसे ही महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी, जिसकी शुरुआत ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व यानी कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी एंड ईसा से 300 से 800 ईस्वी तक यह सभ्यता बहुत ही विकसित हो चुकी थी। दोस्तों, इस सभ्यता के लोग आर्ट, मैथमेटिक्स, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन में काफी अधिक विकसित हो गए थे एंड दोस्तों, इस सभ्यता ने इस दौरान खेती और शहर का विकास किया था, जिनमें बड़ी बड़ी इमारतें भी शामिल हैं। दोस्तों, ऐसा दावा किया जाता है कि 900 ईस्वी के बाद माया सभ्यता के नगर खत्म होने लगे। वैसे दोस्तों, इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी कि इनको एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान का बहुत ही उन्नत नॉलेज था। विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्योहारों, जन्म एवं मरण जैसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में पहले से ही जान लिया करते थे। दोस्तों, इस सभ्यता में एक साल 290 दिनों का हुआ करता था। दोस्तों, हजारों साल पहले स्थित इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह आज भी वैज्ञानिकों के मध्य चर्चा का विषय है। आखिर क्यों और किस तरीके से माया सभ्यता का अंत हुआ, इस पर अभी भी शोधें चल रही हैं। दोस्तों, हमने 2012 में धरती के खत्म होने जैसी खबरों के बारे में जरूर सुना एवं देखा होगा। यहाँ तक कि दोस्तों, एक मूवी बन चुकी 2012 के नाम से, जिसमें धरती के प्रलय एवं अंत के बारे में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी मूवीज एंड उपन्यास धरती के अंत के बारे में लिखे जा चुके हैं, जिनका आधार दोस्तों माया सभ्यता है। परंतु दोस्तों, ये सब अफवाहें हैं। वास्तव में दोस्तों, जब माया सभ्यता का कैलेंडर खत्म हुआ तो लोगों को लगा कि शायद अब धरती खत्म होने वाली है, परंतु असल में सच्चाई यह थी कि माया सभ्यता का वह आखिरी कैलेंडर था जिसके बाद माया सभ्यता का अंत हो गया था। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि धरती का अंत माया कैलेंडर के हिसाब से होगा। दोस्तों, हमारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ। दोस्तों, यह भी एक डिबेट का विषय है। इसके संबंध में बहुत ही गहन शोध हुए हैं एवं उसके अनुसार दो थ्योरी निकल के सामने आई हैं। वैज्ञानिकों की पहली थ्योरी बताती है कि माया सभ्यता के नगर विदेशी आक्रमण या विद्रोह के कारण खत्म हो गए। दोस्तों, यह थ्योरी भी एक अनुमानित थ्योरी है परंतु प्रचलन में है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी थ्योरी बताती है कि माया सभ्यता का अंत किसी विद्रोह या फिर आक्रमण के कारण नहीं बल्कि इस सभ्यता का अंत उस समय में आए सबसे भयंकर सूखे और प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुआ है। इस सूखे एवं बाढ़ के कारण यह सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई, ऐसा यह दूसरी थ्योरी अनुमान लगाती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि माया सभ्यता का अंत करीब 100 से ज़्यादा वर्षों तक चले सूखे के कारण हुआ है। दोस्तों, यह पृथ्वी पर पड़ने वाला सबसे बड़ा सूखा बताया गया है। शोधकर्ताओं ने जिस तरीकों के नमूनों का विश्लेषण किया है उसमें पाया गया है कि 800 से 900 ईस्वी के मध्य एक भयंकर सूखा पड़ा था। इसी सूखे के कारण माया सभ्यता का अंत हो गया था। दोस्तों, यह एक ऐसी सभ्यता है जिसकी भविष्यवाणी, कैलेंडर और पिरामिड्स हमेशा से चर्चा के विषय रहे हैं। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर से उसी सभ्यता का सबसे पुराना और बड़ा स्मारक खोजा है। यह स्मारक एक ऊंचा उठा हुआ प्लेटफॉर्म है जो तकरीबन 1.4 किलोमीटर लंबा है। माया सभ्यता के दौर में बनाया गया है स्मारक एग्यूडा फिनिक्स कहलाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो मेक्सिको में मिले इस स्मारक को 1000 BC में बनाया गया था एंड यह स्मारक दक्षिण पूर्व मेक्सिको के तबास्को स्टेट में है। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की डैनियेला त्रियादान एंड उनके साथियों ने लिडार तकनीक का यूज करके जमीन पर मिले इस स्मारक का 3D नक्शा तैयार किया है। आपको बता दें कि भारत में भी लेडर तकनीक से ही पूरी गंगा नदी का 3D नक्शा बनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, डियाना त्रियादान एवं उनके साथियों को स्मारक के आसपास 21 ऐसे स्थान मिले हैं जहां माया सभ्यता के अवशेष मिले हैं।
डेनियला की टीम इन अवशेषों के खनन कार्य में लगी हुई है। यह एक्वेडो फेनिक्स करीब 1413 मीटर लंबा, 399 मीटर चौड़ा और 10 से 15 मीटर ऊंचा है। दोस्तों इसके चारों तरफ छोटे छोटे निर्माण हैं जिनमें पानी जमा करने के लिए स्रोत, रास्ते, सड़कें और कुछ ऊंचे प्लेटफॉर्म्स हैं। दोस्तों माया सभ्यता का कैलेंडर 3114 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। दोस्तों इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद पाक्तुन नाम के एक काल का अंत होता है। इसके साथ ही दोस्तों माया सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह सिंधु घाटी और मिस्र की सभ्यताओं की तरह सबसे रहस्यमयी सभ्यता है जो अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य को समेटे हुए है। यहाँ तक कि दोस्तों अमेरिकन हिस्टोरियन मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिकी महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बसाई थी। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के मूल निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले पहुंच गई थी। माना जाता है कि यह बसावट महाभारत काल में हुई थी। दोस्तों अमेरिकन महाद्वीप के बोलीविया, जिसको वर्तमान में पेरू एवं चिली के नाम से जाना जाता है, इसमें हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई एवं कृषि का भी विकास किया। यहां के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म के समान है। यहां तक कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल आर्मी ने नेटिव अमेरिकन की 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक रखा था, परंतु नाजियों की जर्मनी मैकी की घटनाओं के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।